फिलहाल एक ऐसा सीक्वेंस है, बड़ा मजाकी सीक्वेंस है इस फिल्म का, जो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक किरदार निभाया इस फिल्म में जिसका नाम है ज़ूलैंडर, मिस्टर ज़ूलैंडर। उसे मतलब जितने भी पक्षी और प्राणी हैं उनसे बहुत लगाव है, और उसकी एक चहेती पेट है इस फिल्म में जिसका नाम है कालीचरण। उसको लेके हम लोग एक सीन दर्शा रहे हैं आज, लेकिन अफसोस कि हमारी जो कालीचरण, हमने जिसको कास्ट किया वो बहुत अग्रेसिव है, तो शायद ये शूट हमें बम्बई में करना पड़ेगा। हो चुका है जॉनी जी का और मेरा, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी खुशनसीबी है जो जॉनी सर जैसे जैसे महान कलाकार के साथ मुझे स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला, वो भी अपनी पहली फिल्म के लिए, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। ये जो किरदार है, जैसे मैंने बताया ज़ूलैंडर वाला, उसका ये कॉस्ट्यूम है, और ये एक ऐसा इंसान है जो इंस्पायर्ड बाय नेचर है, जो एनिमल लवर है और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस टैग पे, यहाँ लिखा है एनिमल केयर एंड कंट्रोल लॉस एंजलिस काउंटी। तो ये सब मैंने इसलिए किया, ये कॉस्ट्यूम मैंने खुद से बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको एक एज एन एक्टर प्रोडक्शन की तरफ से डायरेक्टिव मिलता है कि आप अपना कॉस्ट्यूम खुद बनाइए, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एज अ स्टाइलिस्ट। सो हियर आई एम। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा मसाला मिलेगा, बहुत सारी मस्ती मिलेगी, और यकीन मानिए ये किरदार देख के आप सभी की कुंडली जागरूक हो जाएगी, आप संस्कारित होके जड़ायु पहन के बोलोगे कि भैया वी वांट टू सी मोर। इस फिल्म में इतने दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन उनके बावजूद अगर मुझे एक मौका मिल रहा है टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आई विल बी द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज इन होटल ब्यूटिफुल।